मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और ही जालौन गौरतलब है कि जालौन के कोटा थाना अंतर्गत गौशालाओं की मंजूरी होने के बावजूद निजात मिलता नहीं दिख रहा है और पशु आए दिन किसानों की फसलों को बाहर का आता है दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम सदनगर के वासिंदों ने मीडिया का सहारा लेते हुए बताया है कि गांव में अभी तक एक गौशाला बनी है और उसमें लगभग 50 पशु रखे जाते हैं, जबकि ग्रामीणों के अनुसार पशुओं की संख्या लगभग 500 बताई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अन्य पशुओं के लिए कई बार गांव में मीटिंग की गई लेकिन पशुओं से निजात मिलता नहीं दिख रहा है, जिसके चलते ग्रामीण किसान खस्ता हालत में जीने को मजबूर है। सैन्य नगर के किसानों ने शासन प्रशासन से यह उम्मीद रखी है कि किसानों को जल्द से जल्द आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाया जाए, जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके, क्योंकि गौशालाओं के जिम्मेदार जो भी है या दूसरे पक्ष की तिजोरी भरने से मतलब है। बाकी गौशाला में क्या हाल है देखने की भी फुर्सत नहीं मिलती। फिलहाल गाँव में दूसरी भी गौशाला बन चुकी है जो सैनिक आपकी चबूतरा के जस्ट पीछे बनवाई गई है, जिसे बने हुए लगभग 15 दिन बीत गए हैं, जिसमें अभी तक न तो भूसे की व्यवस्था की गई है और न ही कोई देखरेख के लिए कर्मचारी रखा गया है। सिर्फ भगवान के भरोसे सैनिक नगर की नई गौशाला में सारा काम चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेता है या नहीं। जालौन से सौरभ त्यागी की रिपोर्ट। पूरी खत्म हो चुकी, दोबारा फिर बोने की स्थिति में है। इतना महंगा बीज और ये सब है कि कैसे किसान यहाँ बीज पाए। अच्छा, जानवरों के चलते आपकी खेती बर्बाद हुई है? बर्बाद हुई खेती, मौके पे वीडियो भी दिखाए गए लेकिन कोई सुनने वाले नहीं। लगभग कितने जानवर खेतों में पहुंच जाते हैं डेली? जो है बहुत लोग तो शायद सभी के में जाते हैं, लेकिन हमारे में 10-20 जानवर निश्चित पहुँचते हैं पर डे डेली। ऐसा कोई दिन नहीं है, अभी भी आप जाकर के देख ले रोड पे, बिल्कुल छट्टा आवारा जानवर जा रहा है, कोई चराने वाला नहीं, ना कोई घेर रहा ना घेरा रहे। अच्छा, घेरने वाले जो जानवर चराने वाले थे वो खड़े भी हुए, लेकिन जो यहाँ इतने उद्दंड लोग हैं जो अपना जानवर स्वयं नहीं बांधना चाहते, उन्हें चरवाना चाहते। अच्छा, इसके लिए आपने पर्सनल तरीके से कोई आला अधिकारी को या प्रशासन के अधिकारी को शिकायत की है? पर्सनल तरीके से कुछ नहीं कहा, तो अपनी खेतबाड़ी में वही रख रखाव में लगे, कहीं झाकर लगाना, कहीं तार लगाना, कहीं जो है बैरिकेडिंग करना। आपकी जानकारी में शायद गांव वालों या प्रधान ने शिकायत आगे भेजी हो? नहीं, अभी गांव वालों ने कुछ ने कहा भी है तो जो एक आध मोहल्ला जानवर है थोड़ी बहुत बांधे घूमे गए, लेकिन अभी जो है पर्सनल किसी ने ऐसी व्यक्तिगत जो है शिकायत नहीं की है। ताकि जो है प्रधान क्या करे, प्रधान की थोड़ा जानवर है। अब आप ये बताइए, आप शासन प्रशासन से या प्रधान से क्या मदद चाहते हैं इसमें? ये जानवर जो है जो